ट्रेन का सफर एक ऐसा सफर है जहां पराए लोग भी कुछ देर के लिए अपने से व्यवहार करने लगते हैं। कुछ देर के लिए ही सही, पर एक रिश्ता सा बन जाता है। और ट्रेन के सफर की एक खास बात यह है कि चाहे ट्रेन की यात्रा छोटी हो या बड़ी, किससे बड़े मजेदार सुनने को मिलते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रेन की यात्रा के दौरान आपको पॉलिटिक्स या क्रिकेट की बात सुनने को ना मिले। उस रोज भी बात विराट के शतक से शुरू होकर धोनी के रिटायरमेंट के तरफ जा रही थी। एक सीट पर तीन दोस्त बैठे थे और सामने वाली सीट पर तीन लोगों का परिवार। ट्रेन संबलपुर जा रही थी और तीन दोस्तों को सुंदरगढ़ जाना था। वहां उन तीनों में से एक राघव का घर था, तो उन तीनों ने अपनी एक हफ्ते की छुट्टी सुंदरगढ़ में मनाने का फैसला किया। सुंदरगढ़ पहाड़ों से घिरा छोटा मगर बेहद ही खूबसूरत शहर है और लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने। पर जो चीज़ जितनी ही खूबसूरत हो उसके राज भी उतने ही गहरे होते हैं। सुंदरगढ़ के भी कुछ अनसुलझे राज थे जो आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर थे। हाँ, कुछ लोग थे जो इस राज से वाकिफ थे और इस राज को जितना हो सके अपने तक ही रखने की कोशिश करते थे ताकि उनके खूबसूरत शहर के खूबसूरती पर कोई दाग न लगे। पर कुछ लोग अनजाने में ही सही पर उस राज से टकरा गए थे, जिनकी मौत भी बस एक राज बनकर रह गई थी। और जो लोग इस हादसे से बचे वो किसी को बताने के हालत में नहीं थे। खैर, क्रिकेट और पॉलिटिक्स के बाद यात्रा के दौरान तीसरा सबसे तड़कता भड़कता टॉपिक होता है भूत प्रेत। रात का समय था, क्रिकेट और पॉलिटिक्स से उबिया चुके थे सारे लोग, अब भूत प्रेत की बातों पर आ गए। सब अपने या सुने सुनाए किस्से सुना रहे थे। अब बारी आई तीन लोगों वाले परिवार की, जिसमें गोविंद प्रधान जी, उनकी धर्मपत्नी सुशीला और बेटी राधिका थे। गोविंद जी बातचीत से बड़े हंसमुख मालूम हो रहे थे। उन्होंने कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही की, ये कहानी मेरी नहीं है, पर इस घटना के सभी पात्र जगह अथवा नाम किसी भी व्यक्ति से संबंध बिल्कुल रखते हैं। यह घटना पूरे सच पर आधारित है। कहानी है राजस्थान के एक छोटे शहर लक्ष्मणगढ़ की। कमल और रजनिया दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। रजनिया ऑटो चलाता तो कमल लक्ष्मणगढ़ स्टेशन के बाहर दाल बाटी की दुकान लगाता। उस रात साल का आखिरी दिन था और रात 8 बजे के बाद लोग भी आना कम हो गए थे। रजनिया ने कमल से आज दुकान जल्दी बंद करने के लिए कहा। रजनिया को आज शराब के साथ साल को विदा करना था। रजनिया शराब की एक बोतल अपने साथ लेकर आया था। दोनों दोस्त ऑटो साइड में लगाकर ऑटो के अंदर ही शराब पीने लगे। पहली बोतल खाली होने में 2 घंटा लग गए, पर ना तो दोनों का मन भरा था और ना ही नशे से धुत हुए थे। दोनों ने फैसला किया कि एक और बोतल लाएंगे, तो निकल गए दोनों दोस्त एक और बोतल की तलाश में। पर जो सबसे नज़दीक दुकान था वो इतने समय तक बंद हो जाता था और दूसरा दुकान करीबन 7 किलोमीटर दूर था। लेकिन वो एक कहावत है ना, नशा इंसान को चांद तक ले जा सकता है, ये कम वक्त दुकान क्या चीज़ है। दरअसल ऐसी कोई कहावत नहीं है, ये मैंने खुद लिखा है, कहते हुए प्रधान जी हंस पड़े। रजनिया और कमल दोनों दोस्त निकल पड़े एक और बोतल की तलाश में। दोनों दोस्त मस्त गाने बजाते हुए जा रहे थे। आगे रास्ते में हाथ दिखाते हुए एक बुजुर्ग बूढ़े दिखे। रजनिया ने ऑटो रोक दी और पूछा, बाबा कहाँ को जाओगे। आगे अस्पताल तक जाना है बेटा, पोता बीमार है, बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, 40 रुपये लगेंगे, आओ पीछे बैठ जाओ। रजनिया ने सोचा, आगे जा ही रहे हैं, साथ में कुछ पैसे भी कमा लेंगे, थोड़ी और महंगी बोतल आ जाएगी। ऑटो 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ी ही थी कि रजनिया को सामने और तीन औरतें हाथ दिखाते हुए दिख गई। उन्होंने घूंघट डाल रखा था और हाथ में एक बच्चा भी था। रजनिया ने सोचा, चलो अच्छा है, थोड़े और पैसे बढ़ गए। वाहन कहाँ को जाओगी, आगे अस्पताल को जाना है भाई साहब, बच्चे की तबीयत ठीक ना, 20-20 लगेंगे तीनों के, आओ पीछे बैठ जाओ और बाबा आगे को आ जाओ। बाबा को बगल में बैठाकर रजनिया और कमल दोनों साइड साइड में बैठ गए। कमल की अभी तक शादी नहीं हुई थी, हर लड़की या औरत को बार बार देखने की आदत थी, इसलिए बार बार शीशे से घूंघट के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात कुछ बनती नहीं दिख रही थी। तो कमल ने एक बार पीछे मुड़कर ऊपर से नीचे तक देख लिया, लेकिन उसके बाद कमल के मुँह से जैसे जुबान गायब हो गई थी। उन तीनों औरतों के पैर उल्टे थे। कमल ने इशारे से रजनिया को पीछे देखने को कहा, पर रजनिया कुछ समझ नहीं पा रहा था। बेचारे कमल ने अपनी पूरी जान लगाकर धीरे से कहा, पीछे देख, इनके पांव उल्टे हैं। कमल की कही बात बुजुर्ग ने सुन ली, उनके क्या मेरे भी उल्टे हैं, ये देखो, ये पीछे मेरा पोता ही तो है। कमल और रजनिया कुछ समझ नहीं पाए। कमल तो जैसे तैसे चलते ऑटो से कूद गया, लेकिन रजनिया को उन सब ने मिलकर दबोच लिया। ऑटो से कूदने की वजह से कमल के सर पर चोट लगी और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब कमल की आंख खुली और पता करने पर पता चला कि
आगे 2 किलोमीटर पर रजनिया का ऑटो मिला, पर रजनिया अब भी गायब था। कहते हैं कि उस रास्ते पर अब रजनिया भी आती जाती गाड़ियों को हाथ दिखाता दिख जाता है। इस कहानी से ट्रेन का माहौल संगीन बन गया। कुछ लोग डर गए तो कुछ लोगों ने इसे झूठ, अफवाह, मनगढ़ंत और ना जाने क्या क्या नाम दे दिया। अब बात विश्वास और अंधविश्वास के बीच आकर अटक गई। एक पक्ष था जो इसे सच मानता तो दूसरा पक्ष इसे झूठ कहता। सामने वाली सीट पर बैठे तीनों दोस्त इसे महज अंधविश्वास कहते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सारी बात सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। ये सारी बात बस लोगों के मन में डर पैदा करती है। मैं नहीं विश्वास करता इन सब चीज़ों पर, राघव ने कहा। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो, प्रधान जी ने पूछा। उसके पीछे भी एक कहानी है, मैं सुनाता हूँ आपको, राघव ने कहा और कहानी सुनानी शुरू की। इस कहानी के मुख्य किरदार मेरे पिता ही हैं। बात तब की है जब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिता भी आपे की तरह इन सब भूत, प्रेत, काला जादू जैसे चीज़ों पर विश्वास करते थे, लेकिन वो मंदिर के पुजारी थे। उस समय हमारे मोहल्ले में नए किरदार रहने आए थे, उसमें एक कुबड़ी बुढ़िया थी। लोग कहते हैं वो काला जादू करती थी और इन सब चीज़ों में उसके घर वाले भी शामिल थे। मोहल्ले वाले कहते हैं कि बड़े ही अजीब लोग थे, ना तो किसी से मिलना ना ही कोई बात विचार। वो बुढ़िया छोटे बच्चों को शिकार बनाती थी, लेकिन एक दिन उसके रास्ते पर्दा उठ गया और मेरे पिता ने ही सबको बताया था। पता नहीं उनको कैसे पता चला, पर पूरे मोहल्ले वाले एकजुट हो गए और वो बेचारे 4 लोगों का परिवार भीड़ के हत्थे चढ़ गया। उस बुढ़िया ने कहा था पुजारी के सारे खानदान को खा जाऊंगी, इसी डर से पिता ने वो जगह छोड़ दी। लेकिन देखो अभी भी मैं जिंदा हूँ, मतलब ये सब अंधविश्वास है, इसलिए तो वापस जा रहा हूँ अपने पुराने घर। राघव ने सारी बात हंसी में निकाल दी। या शायद ये भी हो सकता है उस कुबड़ी ने तुम्हें मार दिया हो और हमारे सामने बस तुम्हारी आत्मा हो। प्रधान जी ने पहले घबराने की एक्टिंग की, फिर हंस पड़े। एक एक करके ऐसे ही किस्सों का दौर चलता रहा, मगर ये विश्वास और अंधविश्वास का फैसला अंत तक नहीं हो पाया। लेकिन सुंदरगढ़ स्टेशन आ गया। सुबह के 3:30 बज रहे थे। राघव और उसके दोस्त और प्रधान जी का परिवार स्टेशन पर उतर गए। प्रधान जी का मजाकिया अंदाज स्टेशन से उतरने के बाद भी जारी था। ठंड का समय था इसलिए स्टेशन भी खाली ही था। सब स्टेशन के बाहर टैक्सी के लिए निकले, पर कोहरा ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा टैक्सी थे नहीं। यात्री आते देख बेचारा एक टैक्सी वाला आधी नींद में ऊँगता हुआ आया और राघव से पूछा, कहाँ जाना है साहब? राघव ने प्रधान जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रधान जी आपके साथ लेडीज है, ऐसा कीजिए आप पहले चले जाइए। प्रधान जी का नाम सुनकर वो टैक्सी वाला अपनी जान की खैर मनाते उल्टे पांव दौड़ पड़ा। राघव और उसके दोस्तों ने पहले टैक्सी वाले की तरफ देखा, फिर प्रधान जी की तरफ, पर इस बार वहाँ कोई नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन 3 लोगों का परिवार अब 4 लोगों में तब्दील हो चुका था। और ठीक पीछे से एक आवाज़ आई, तू पुजारी का लड़का है ना? राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो वही कुबड़ी बुढ़िया थी।